वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। आज हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर में। एक मंदिर है जहाँ 99,999 शिवलिंग आप लोग देख पाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप बर्मन्स ब्लॉग का वीडियो नए से वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम ऐसा वीडियो जैसे ही पब्लिश करते हैं आप तक जल्दी ही पहले ही आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ के लोकल एक्सपर्ट, ये देखिए एक सूर्य पहाड़ करके ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, असम में। तो वहाँ लेके जा रहे हैं। आज हम लोग मोटरसाइकिल से वीडियो स्टार्ट किए हैं। मेरे साथ और 3 भाई लोग आए हुए हैं। कुछ साल पहले कुछ पुरातत्वविदों ने श्री सूर्य में कुछ शिवलिंगों और कुछ घरों का पता लगाया था। वैसे निष्कर्ष जो लंबे समय से चली आ रही घराना की पुष्टि करते हैं कि एक संपन्न सभ्यता कुछ सदियों पहले श्री सूर्य पहाड़ के आसपास थी। कलात्मक रूप से डिजाइन की गई ईंटों वाले घरों के जटिल और वैज्ञानिक डिजाइन ने कुछ पुरातत्वविदों को यह भी विश्वास दिलाया कि श्री सूर्य पहाड़ के इतिहास का और अधिक पता लगाने से प्राचीन आसाम और भारत के इतिहास की समझ बदल जाएगी। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन ट्वाशन के वृत्तांतों का हवाला देते हुए दावा किया कि ये श्री सूर्य पहाड़ था, न कि गुवाहाटी के जो प्रागज्योतिषपुर या प्रागज्योतिष सम्राट की प्राचीन भूमि थी, जो कुमार भास्कर वर्मन के राज्य के राजधानी थी। इस दावे को मजबूत करने के लिए पास के पुरातत्विक पगला टेक के निष्कर्ष का हवाला दिया गया है। चूंकि श्री सूर्य पहाड़ ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत करीब है, इसीलिए ये अतीत में महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र या प्रशासन का केंद्र रहा होगा। श्री सूर्य पहाड़ का एक और महत्वपूर्ण महत्व ये है कि यह एक बार 3 धर्मों का संगम था, जैसा कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित असंख्य मुनियों और अन्य अवशेषों से स्पष्ट है। श्री सूर्य पहाड़ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, गुवाहाटी से लगभग 132 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। असम भारत में एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत अज्ञात पुरातात्विक स्थल है। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि एक बार इन पहाड़ियों में कितने लिंगम थे, लेकिन फिर भी उनमें से सैकड़ों है, छोटे से लेकर बड़े आकार में हर जगह पहाड़ी की तलहटी में बिखरे हुए हैं। और सदियों की उपेक्षा और चोरी के बाद व्यापक क्षेत्र को कवर करते हैं। यहाँ से रायगढ़ फ्लाईओवर के नीचे से मोड़ोगे तो एलजीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोग जा सकते हो। यही रोड है फ्रॉम गुवाहाटी ग्वालपारा, एक्चुअली टूवर्ड्स वेस्ट हम लोग को आना पड़ता है। वहाँ से राइट मोड़ना पड़ेगा एलजीबी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जाते वक्त दूसरा जगह से जाएंगे, जो सरायघाट ब्रिज है, दूसरा एक वैसा सेम ब्रिज है, कुछ साल पहले ही उसको लॉन्च किया गया था। आते आते रास्ता भटक गया, भूल गया। हम लोग मैप अभी ऑन किया है, गांव के अंदर से होके आ रहे हैं और एक नदी मिलेगा और वो बोट से पार होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग जो है सूर्य पहाड़ जो है वो पहुंच पाएंगे। गांव के बीच में से होके आ रहे हैं। आप लोग अगर आओगे तो दुधनोई नाम से जो जगह है वहां उतर के फिर वहां से आप लोग आ सकते हो, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोग ये नदी पार करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो पहुंच पाएंगे। हम लोग जा रहे हैं घाट के तरफ, वो नाव से रिवर जो है हमको क्रॉस करना होगा। ये देखिए ट्रैक्टर, वाह, मिट्टी उठा के लेके आ रहे हैं।
देखिए मोटरसाइकिल नाव से पार करना होगा। ये देखिए बहुत रिस्क है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का आदत नहीं है ना, इसीलिए बाइक लेके जाते हैं, 6 × 12 लोग भी जाते हैं। ये देखिए इसका ये सामना आप लोगों को अगर नहीं करना है तो आप लोग ढूंढो इसे, दूसरा रास्ता पकड़ लीजिएगा। वो रास्ता भटक गया तो इसीलिए हम लोग यहाँ ऐसे आना पड़ा। इस बार तो पहुंचे हैं, अभी बाइक निकलना पड़ेगा। ये देखिए बाइक भी निकाल के दे रहे हैं आराम से मेरे भाई। बस पूरा घने जंगल में हम लोग घुस गए हैं अभी। ये देखिए पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं है। आखिर में इतना स्ट्रगल एडवेंचर करने के बाद हम लोग मेन जगह पहुंचे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्चुअली आने के लिए आपको नेशनल हाईवे 37 पहले का था, तो अभी रिसेंटली इसको 17 कर दिए गए हैं, तो 17 पकड़ के आपको आना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 31 होके भी आप लोग आ सकते हो बरपेटा होके। होप आप लोगों को मज़ा आ जाएगा आज ये वीडियो देखने। क्रॉस करने के बाद यहाँ आप लोगों को मिलेगा ये चेक पोस्ट, पार्किंग के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है। The archaeological museum was taken up by Syed Jamal Hassan, superintending archaeologist, and it was formally inaugurated on 25th November 2004 by R.D. Singh, the then superintending archaeologist of Guwahati Circle. The museum exhibits the excavated materials. These are figurines, sculptural motifs, bricks, idols, etc. recovered from the brick and stone temple complexes. बंदर है बहुत यहाँ भी। मंदिर कैंपस पहुँचने से ही आपको यहाँ एक रेस्ट हाउस मिलेगा, आप लोग फ्रेश फ्रेश हो सकते हो। आपको लेफ्ट हैंड साइड में सूर्य मंदिर है, ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा एक हनुमान मंदिर है, विष्णु यज्ञ शिव धुनी है। ये हम लोग दिया लगाएंगे, दिया लिए हैं अभी वहाँ। विष्णु यज्ञ होता है यहाँ, चलिए वहाँ होके आते हैं पहले हम लोग, उसके बाद जाएंगे। जो मेन चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए हैं यहाँ, सो बी विद मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। भले ही हम लोगों ने सुबह 7 बजे स्टार्ट किए थे, रास्ता भटक गया करके, हम लोग अभी 2 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो जो भी है आके मज़ा आ गया, अच्छा लगा। ये यज्ञ स्थान, यहाँ हेवन वेवन होता है। এই অগ্নিটো মানুহে অত্যন্ত জংগলৰ মাজত ইয়াত অগ্নি দেখা পাই আচৰিত পাইছে, তেতিয়া বাম ভালুকৰ ৰাজ্য। ये दिया हम लोगों ने लगा दिए हैं, प्रभु से आशीर्वाद लेंगे कि हमारा जो भी मनोकामना है पूरा करे आगे जाके। और ये जो हवन आप लोग देख पा रहे हो, ये युगों साल पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी ये चल रहा है। कोच राजवंशी का जो राजा है धर्म नारायण, अच्छा अच्छा, तो वो राजा भी यहाँ आके पूजा करते थे है ना। चलिए अभी हमको आशीर्वाद करेगा। The rock cut images of Vishnu and Shiva at Sri Sri Surya Pahar are stylistically ascribable to the Eastern School of Art, which was developed as a distinct regional school of art during the time of the Dharmapala and Devapala of the Pala dynasty in the beginning of the 9th century. However, the style of the rock cut votive stupas
indicates that these were engraved around 1st century BCE, CE onward. প্রভু এজন আছে আমাক আশীর্বাদ কৰি দিব ইয়াতে তেখেতে কব এই মন্দিৰৰ বিষয়ে অলপ প্ৰভু বতা দেগা ইয়া মন্দিৰ কে বাৰে মে ওপৰ মে জো হায় জো ঠাকুৰ হায় ইসকে বিষ্ণু কা বিশ্ব ৰূপ থা ইয়া বাৰ বাহু লৈ কৰকে এক কপল সে ওপৰ মে খাৰা ৰহা থা লেকিন এক সাথ মে হায় ইয়া ব্ৰহ্মা জি বিষ্ণু জি আৰু মহেশ্বৰ জি লিগিল মে ইয়া গণেশ জি হায় তেওঁ লোক এক সাথ মে পাঁচ ঠাকুৰ হায় ইয়া ৰাম সীতা লক্ষ্মণ জি হায় বনবাস কে 14 বছৰ বনবাস কে হায় ইয়া পৰে হায় ইয়ে দোনো ঈশ্বর জি কা ইয়ে দুয়ারপাল হতা হয় ইয়ে জয় আর বিজয় হয় বিষ্ণু কা পট কমল হয় ইয়ে মতলব শরণ শরণ হ্যাঁ হ্যাঁ মহা প্রভু বিষ্ণু বিষ্ণু কা শরণ হ্যাঁ শরণ ये विश्वास रखते हैं लोग यहाँ आके ऐसे पत्थर में पकड़ के अगर पूजा करते हैं प्रणाम करते हैं तो उनका मनोकामना पूरा होता है। आकाशी गंगा है आगे वो देख के आएंगे। आकाशी गंगा मतलब पानी बहता हुआ आएगा झरने से। चलिए जो आकाशी गंगा है वो हम अभी अंतर करेंगे, वो गुफा है, गुफा के अंदर से जाएंगे। यहाँ देखिए हम लोग निकल के आए हैं वो गुफा के अंदर से होते हुए। चलिए यहाँ से निकल के जाते हैं फिर। ये जो सूर्य पहाड़ है हर जगह ऐसा शिवलिंग बनाया हुआ है पत्थर में कट के। उसी समय में वो राजा महाराजा के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो वैसे गिनती करते करते हम लोगों का तो एक महीना लग जाएगा, 900 महीने से भी ज़्यादा लग जाएगा। ये एक पॉन्ड भी है यहाँ और ये टिकट घर है। यहाँ से आप लोग टिकट कलेक्ट करके बोटिंग का भी व्यवस्था रखे हुए हैं, आप लोग बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो। आप आइए फैमिली के साथ, प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया सुंदर यहाँ लाइफ जैकेट भी लगा के देगा, कोई किसी को तैरना नहीं आता है तो सेफ्टी के लिए। इतना बढ़िया एक तालाब, तो एक्चुअली ये पूरा राउंड लगाएगा यहाँ से पूरा पहाड़ को। साइड में से आते हैं, चलिए हम लोग भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने को। बाप रे थक गए हैं, लेकिन खाना भी नहीं खाया अभी तक, पानी वानी पिलाओ, बहुत प्यास भी लगे हैं। माय गुडनेस, यहाँ अगर आपको आना है तो सुबह जल्दी ही पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पहाड़ को कवर करना इतना आसान नहीं है। वाह मज़ा आ गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आगे जो वो पत्थर वगैरह आप लोग देख पा रहे हो उसमें भी शिवलिंग है। तो टोटल जो है 1,00,000 से 1 लिंग कम है। तो वो पूरा पहाड़ में फैला हुआ है, हर जगह घूम के मतलब एक एक जगह तो भी करना ये आसान बात नहीं होगा। तो जितना हो सके मेरे से आप लोगों को दिखाया हूँ, आप लोग आइएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ आने के लिए, लेकिन समय लेके आइएगा आप। साइड में ये नया सूर्य मंदिर डेवलप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जल्दी ही इसी साल में 2022 में ये लोग इसको लॉन्च करेगा ये मंदिर को भी। तो यहाँ आने से आप लोगों को बहुत सारा मंदिर मिलेगा, अलग अलग टाइप का, हनुमान मंदिर और बहुत सारे मंदिर है। शिवलिंग हम लोगों ने दिखा ही दिया है, बहुत सारा जो शिवलिंग है वो खराब भी हो गए हैं, टूट भी गए हैं, लेकिन यहाँ आने से मन पूरा प्रफुल्ल हो जाता है, खुद को पवित्र फील होता है। आप लोग आइएगा यहाँ जरूर, एक बार तो आइएगा ही। ये दूसरा असम में रेल का रोड ब्रिज है, जैसे हम लोगों ने बताया था सरायघाट का, हम लोगों ने वीडियो भी डाले थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये दूसरा रेल का
सराही सराय का दूर से आधा किलोमीटर लंबा है। ये है ट्रेन लाइन और ये ट्रेन लाइन जाके ब्रिज के नीचे से उस पार चले जाते हैं और वो गुवाहाटी को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, और मिलते हैं जल्दी ही एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।